चुनाव, और उसका ये रंग कि दरवाजों तक भी ले जाता है यही चुनाव, और फूल माला का जबरदस्त सैर जैसे निकल पड़ता है। हमारे साथ एकमात्र बीजेपी की मुस्लिम कैंडिडेट फातिमा रसूल सिद्दीकी हैं। मेरा सवाल आपसे यही है कि कैंपेनिंग के लिए आप निकली हैं, बहुत लोगों का समर्थन मिल रहा है, दिख रहा है, लेकिन एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट हैं बीजेपी से, पहले कांग्रेस में थी, क्यों आई आप बीजेपी में? नहीं, ये मेरी फर्स्ट पार्टी है। मेरे जो फादर थे ही वॉज इन कांग्रेस, ये मेरी फर्स्ट पार्टी है। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये रहा है कि वो कांग्रेस में थे, बट अब ना वो कांग्रेस रही और ना वो कांग्रेस के। ये बताइए कि आपके आने से ये जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बीजेपी ने काम किया है या ऐसे मुद्दे, आपको लगता है ये समुदाय उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको जिताएगा? देखिए, मैं तो तलाक के बारे में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेइंतहा अल्लाह को सबसे नापसंदीदा चीज़ जो है वो तलाक है, और हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग अपने रिश्ते मेंटेन करें जी। पर कोई आपसे तो नहीं पूछता कि सिर्फ आप ही को टिकट दिया है और सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है, ऐसे सवाल आते हैं क्या आपके सामने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आता। और जब मैंने बीजेपी ज्वाइन करी और अंदर देखने को मिला कि इतने सारे मुसलमान भाई बहन हैं, तो मतलब मैं इतना नहीं सोच रही थी कि ऐसा होगा, मगर बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी कंफर्टेबल हूँ मैं। मतलब कोई टकराव की स्थिति नहीं है, आपको लगता है सबका साथ सबका विकास है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है बीजेपी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे यहाँ लगता है, स्पेशली उत्तर भोपाल में यहाँ लगता है कि ये लोग कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे जो कम पढ़े लिखे और बगैर पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेवकूफ़ बना के और कौम के नाम पे राजनीति करी जा रही है जी। तो आपको शिवराज पे और मोदी दोनों पे भरोसा है? जी बिल्कुल भरोसा है, स्पेशली माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, और जैसे हमारे वालिद साहब थे, जो गंगा जमनी तहजीब होती है, सारे कौम के लोग साथ में रहें और सबका, किसी एक का नहीं कि ये बहन हमारी है, ये बहन हमारी नहीं है, ये भी हमारी है, ये बबलीबाजी भी हमारी है, ये दीदी भी हमारी है, दोनों हैं जी। चलिए ठीक है, दोनों कंधे पर दोनों धर्मों को लेकर निकल पड़ी है फातिमा रसूल। फैसला जनता को करना है, लेकिन बीजेपी से कम जो सवाल यूपी में पूछा जाता था वो एमपी में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कंट्रोल में है, क्योंकि एक टिकट तो दे दिया है मुस्लिम उम्मीदवार को।